नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, जो कि दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत सामने आ रही है, जहां तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जाता है कि एक ट्रक ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। तीनों बाइक सवार दमोह से तेंदुखेड़ा की ओर जा रहे थे कि बीच रास्ते में हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से बाइक में टक्कर मारी, जिसमें तीनों युवकों की मौके पर मौत हो गई है। तीनों युवक तेंदुखेड़ा के रहने वाले हैं, जिनकी मौत हुई है। मामला पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जाता है कि घायल लगभग आधा घंटे तक तड़पते रहे, कोई भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंच पाई। जब तीनों के शव तेंदुखेड़ा पहुंचे तो माहौल काफ़ी गमगीन था, सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे। तेंदुखेड़ा के रहने वाले तीन युवकों की मौत हुई है, काफ़ी बड़ी घटना सामने आई है। तेंदुखेड़ा में गुरुवार की शाम एक हादसा हुआ। बताया जाता है कि इस सड़क हादसे में तीन युवकों की ये मौत हुई है। शाम लगभग 7:30 बजे नगर से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम खेरे एवं ग्राम पांजी के बराघाट पुल के पास दर्दनाक हादसे में तीन युवकों की मौत हुई है। बताया जाता है कि डंपर क्रमांक MP20HP5313 ने सामने से टक्कर मारी है, जिसके चलते युवकों की मौत हुई है। युवकों में रोहित पिता रमेश नामदेव उम्र 22 वर्ष निवासी बाट क्रमांक 8 तेंदुखेड़ा, सुनील पिता राम सजीवन सेन उम्र 35 वर्ष निवासी बाट क्रमांक 9 तेंदुखेड़ा, राम भरोसे पिता कल्याण पाटकर उम्र 35 वर्ष निवासी धनगोर, तीनों मोटरसाइकिल क्रमांक MP20NS7565 से दमोह से तेंदुखेड़ा की ओर आ रहे थे कि बीच रास्ते में इस डंपर ने टक्कर मार दी। 108 एम्बुलेंस की सेवा समय पर नहीं मिल पाई। पुलिस के द्वारा मामला कायम करने के साथ आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। चालक वाहन लेकर फरार हो गया था, जिसे तेजगढ़ पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। मामले में कार्रवाई जारी है, लेकिन काफी बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।